Hello everybody, welcome to class. Now in this section we will see about what are the seven primitive cells. Okay, they are also called as the Brevis, given by the Brevis, so they are also called as the Brevis Latites. Okay. Now dear students, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो seven crystal systems हैं, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है. सी देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग, आपका केवीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए आपको उसमें जो स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. स्ट्रक्चर पता हो, इनकेस आपको पता है इट्स वेरी गुड, नहीं पता है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मच कंसर्न. आपको क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं कि कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर. ओके, देन उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, बॉन्ड angles, okay, bond angles, then edge length, then questions will come from the examples, कि उस crystal system के examples क्या क्या है. Nobody objective pattern का question है तो उसमें structures आपसे इतना important नहीं है, but these three parameters, see bond angle, edge length and example are the must. सो मैं आपको उसी पैटर्न में आगे पढ़ाऊंगी. ओके, सो फर्स्ट इज योर क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें सबसे फर्स्ट ये ध्यान दीजिए, और बेसिक क्यूब जो आपने अपने बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन लोअर क्लासेस भी आपने पढ़ा है, जो बेसिक क्यूब होता है उसमें क्या होता है कि आपके तीनों एजेस जो होती हैं, तीनों एजेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल इन साइज. दिस इज अ सिंपल क्यूब. ओके, सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट एंड द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, ना इसका जो एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, सी NaCl, देन जिंक ब्लेंड एंड कॉपर. सो आपको इसमें से एग्जाम्पल्स को भी याद रखना मस्ट है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्पल्स दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस एग्जिस्ट इन विच क्रिस्टलाइन सिस्टम. ओके, ना इसमें एक और चीज़ है कि क्यूबिक सिस्टम जो है ये कितने पॉसिबल कन्वर्शन ले सकता है, दैट इज अ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में एग्जिस्ट कर सकता है एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब, देन इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन फेस सेंटर्ड क्यूब. इन ऑल द थ्री सिस्टम्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स इसका पॉसिबल कन्वर्शन हो सकता है. ओके, नाउ द सेकेंड टाइप इज टेट्रागोनल. ओके, टेट्रागोनल. नाउ इन टेट्रागोनल ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी एंड द थर्ड साइड इज नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ द साइड. सो ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, बट हियर ऑल्सो ऑल द थ्री साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू गेमा, 90 डिग्री. ओके, पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल है एंड बॉडी सेंटर्ड सेल. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वाइट टिन, SrO2, कैल्शियम सल्फेट एंड टाइटेनियम ऑक्साइड. ओके, नाउ द थर्ड टाइप बिफोर अस इज ऑर्थोरॉम्बिक. यहाँ पे क्या होता है कि जो तीनों साइड्स हैं एजेस में, ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मीन्स ऑल द थ्री साइड दे आर डिफरेंट इन मेजरमेंट्स. ओके, बट द बॉन्ड एंगल इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, नाउ इसके एग्जाम्पल्स रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट. पॉसिबल वेरिएशंस देखते हैं, PCC, BCC, FCC and N-centered cubic cell. इसमें all the four types of variations are possible.
So question may ask like this, okay, all the four types of primitive cell variation occur in crystal structure. तो आपको क्या select करना होगा? Orthorhombic. अब हम एक recap करते हैं कि हमने cubic में क्या पढ़ा, tetragonal में क्या पढ़ा, orthorhombic में क्या पढ़ा. याद करने का यही तरीका होता है, देखो cubic, tetragonal and orthorhombic. ये तीनों में जो bond angle होता है वो कितना होता है? 90 degree. Cubic में तीनों sides A, B, C all are equal. Okay. Tetragonal में only two sides are equal. And in orthorhombic, तीनों sides unequal होती हैं. Now, अब तक हमारे three type of unit cells हो गए, three type of crystal structures हो गए. अब now, जो मेरे पास fourth variation है, वो क्या है? Hexagonal. Hexagonal सिर्फ और सिर्फ एक ही primitive variation में रहता है, that is primitive cubic cell. Okay. अब hexagonal को start करने से पहले, see एक benzene का figure अपने mind में imagine करिए, okay? और अब देखिए. Hexagonal में only two sides are equal, A equal to B, but that is not equal to C. Okay? Any two sides equal and the third side, okay, that is unequal. And two angles, alpha equals to beta, ये कैसे होंगे? 90 degree. Gamma कितना होगा? 120 degree. Okay? Now याद हो गया? Hexagonal में A equal to B, not equal to C. And alpha equal to beta equal to 90 degree. What is the third angle? Gamma. Gamma is 120 degree. अब हम hexagonal के examples देखते हैं. Graphite, zinc oxide, cadmium sulfide. ऐसे भी question पूछ सकता है कि graphite comes under hexagonal. Okay? Now, dear student, the fifth type among us is rhombohedral. Rhombohedral ka another name is trigonal. Okay. Now, in rhombohedral or trigonal type, it exists only as a primitive cubic cell. Isme kya hota hai? A equal to B equal to C. All the three sides, they are equal in length. Now, bond angles, alpha equals to beta equal to gamma. All the bond angles, they are equal, but they are not equal to 90 degree. They are equal, alpha equal to beta equal to gamma. These all the three angles are equal, but that is not equal to 90 degree. And all the three sides are equal in dimensions. Now the examples are calcium carbonate and HGS. It is also called as cinnabar. HGS is called as cinnabar. It's an ore of mercury. Mercury sulfide. Okay. Now, how the question asks ki, name, choose a pair of crystal system which exist only in the primitive type of cubic cell unit. So, wahan pe kya aajayega answer? Rhombohedral and hexagonal. Just before to this, you have read hexagonal. So, okay. Now, the next pattern is monoclinic. Monoclinic say, what is the speciality in the monoclinic system? See, in the monoclinic system, all the three edges are unequal or of different length, okay? But the two angles, they are 90 degree and another is not 90 degree. Iska matlab kya hota hai? कि all the three sides they are unequal in length, but any two sides they are perpendicular to each other because alpha equals to gamma is 90 degree means any of the two sides they are perpendicular and one of the side that is not perpendicular, that is means it is not equal to 90 degree. And examples are जैसे monoclinic है तो monoclinic sulfur, then sodium sulfate with 10 molecules of water of crystallization. इसमें possible variation क्या हो सकते हैं? PCC and end-centered cubic
सेल, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द लास्ट टाइप कॉल्ड एज द ट्राइक्लिनिक. ओके, ट्राइक्लिनिक टाइप ऑफ पैटर्न में ओनली एक ही पॉसिबल वेरिएशन होता है, इट इज द प्रिमिटिव क्यूबिक सेल. नाउ यहाँ पे भी एज इन द मोनोक्लिनिक वी आर हैविंग द ऑल द थ्री साइड्स अन इक्वल इन लेंथ. सिमिलरली इन ट्राइक्लिनिक ऑल्सो ऑल द थ्री साइड्स ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मीन्स ऑल द थ्री साइड्स दे आर अन इक्वल इन लेंथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड एंगल. अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, मीन्स जो तीनों बॉन्ड एंगल है they are different, they are not equal to each other, means they are different, okay? Neither they are perpendicular bhi nahi hai, it's not equal to 90 degree means they are not perpendicular. Na to wo aapas mein equal hai aur na hi ek dusre ke perpendicular hai. Alpha not equal to beta, not equal to gamma, not equal to 90 degree. Now iske examples kya hote hai? Copper sulfate dot 5H2O, it's the water of crystallization. It's called as a blue withdrawal. Okay, H3BO3 इसे क्या कहते हैं? Boric acid. Now K2Cr2O7 potassium dichromate. Okay, so यहाँ पे आपका जो primitive unit cells हैं, जो different type of 7 primitive cells हैं, ये हमने एक glance के रूप में cover कर दिया है. Okay, नाउ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इट्स वेरी एक मार्क का क्वेश्चन ज़रूर ही ज़रूर, दो तीन क्वेश्चंस आने ही हैं इन योर पेपर. कभी वो एज लेंथ से पूछ लेगा, कभी एग्जाम्पल से पूछ लेगा, कभी बॉन्ड एंगल से पूछ लेगा, कभी क्रिस्टल के नेम से पूछ लेगा. सो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. इन माई कमिंग वीडियोज़ I will show you the structure of all these 7 types कि वो actually में crystalline structure में किस type का उनका arrangement होता है with the help of models. Okay, so please do comment and in case of any feedback or any improvement in my channel, please do comment it and thank you all for viewing my channel.